गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि अब आप लोगों के जेई मेंस का एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम आपका बचा नहीं है और पिछले 2-3 सालों से हम लोग ये देख रहे हैं कि जेई मेंस में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका पैटर्न अब काफ़ी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों के पास, आप लोग अपनी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि करंट टाइम में जेई मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो वो हम लोग क्या करते हैं, PYQ के थ्रू अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। ओके, अगर आपने पिछले 2-3 साल के अगर आपने किसी टॉपिक को एक बार थ्रू आउट रिवाइज कर लिया है और फिर 2-3 साल के जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर मैं बात करूँ 19 से 21 तक के, अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हम लोग इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कोशिश रहेगी कि हम सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे और डिफरेंशियल कैलकुलस में पिछले 3-4 साल के जो भी क्वेश्चंस हैं 90 तो वो हम सारे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इसी उसमें अपने कुछ, सबसे पहले हम लोग PYQ के 2021 के क्वेश्चंस लेंगे जिसमें जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस सेशन में जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं अराउंड जेई मेंस के 4 सेट हुए हैं तो काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं करने के लिए और आप अपना एक रिवीजन भी शॉर्ट पैटर्न पर कर सकते हैं क्योंकि अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिट का टॉपिक है और धीरे धीरे करके डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट करेंगे अराउंड कुछ 7 to 8 days में जो भी है, जितने भी PYQs हैं पिछले 2-3 साल के। तो वो हम पहले, सबसे पहले अपना डिफरेंशियल कैलकुलस पर फोकस करेंगे, फिर हम इंटीग्रल कैलकुलस को फोकस करेंगे। ओके, तो अभी जैसा कि आप लोग टॉपिक देख भी रहे होंगे, लिमिट जेई मेंस PYQ 2021 है तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें देखिए कि आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये आपका जो अगस्त वाला जो शिफ्ट है तो 27 अगस्त में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, 2021 में लिमिट का क्वेश्चन था। तो देखते हैं कैसे हमें करना है इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अगर हम ये देखें, ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन है x², ये हमारे पास इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा हैं। तो आप इस इक्वेशन को इस तरह से आप लिख सकते हो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के फॉर्म में। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है e^2 प्लस bx प्लस c-1 और -2 टाइम्स x² प्लस bx प्लस c अपॉन x माइनस बीटा का होल स्क्वायर वेयर x टेंड्स टू बीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास एक रिजल्ट रहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्या रहता है e^(x-1-x)/x², ये हमारे पास एक रिज़ल्ट रहता है और आप इसकी वैल्यू अगर आप सीरीज़ के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे तो आपकी जो इसकी लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी, 1/2 आएगी। इसको देखिए, हम लोग यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ आपको तभी बेनिफिट देगी जब आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे कि ये लिमिट कैसे 1/2 आपका इसका आपका आंसर आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन है e^(2x² प्लस bx प्लस c -1-2 टाइम्स x² प्लस bx प्लस c अपॉन x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास x माइनस बीटा है, हम इसको इस रिजल्ट को यूज़ करने की वजह से हम इसको इस साइड थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे, x माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। और देखिए हमारे पास क्या रहता है, अगर यहाँ पर x है आपका, ये x है, ये x है, तो यहाँ पर आपको इसका स्क्वायर चाहिए होगा,
तो अगर हम इस फॉर्मेट से इसको कंपेयर करेंगे तो हमें इसका स्क्वायर चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इस टर्म का हम प्रोडक्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर और टू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर लिमिट एक्स टेंड करेगा बीटा की तरफ यहाँ पर, तो हमेशा बात याद रखने की ये है कि जो भी लिमिट जब आप पुट करते हैं तो जो भी टर्म्स हैं वो सब जीरो की तरफ टेंड करने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर बीटा इसका रूट है तो ये टर्म हमारा किस साइड जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, ये हमारा जीरो को अप्रोच करेगा एंड ये भी जीरो को अप्रोच करेगा। तो आप इसकी जगह पर क्या यूज़ कर सकते हैं, लिमिट जब आप लगाएंगे तो वन अपॉन टू और इंटू फोर, और इस इक्वेशन को अभी हमने ये देखा कि इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसकी जो हमारी वैल्यू आ जाएगी x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर एंड x माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। एंड लिमिट आपकी क्या है, कहाँ से कहाँ तक टेंड कर रही है, लिमिट x टेंड्स टू बीटा, ठीक है। तो ये अब आप इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और जिस दिन जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी टू टाइम्स बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये अभी हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, लेकिन अब हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हैं वो बी और सी के टर्म्स में दिए हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप लोगों को पता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप यहां से क्या लिख सकते हैं, फार्मूला हमारा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी आ जाएगा एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी आ जाएगा। तो यहां पर जो हमारी वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस का फोर सी, ये हमारी इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी। तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो या बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो, तो ये आप लोगों को पता है होल स्क्वायर हमारा इक्वल होगा। तो इस जगह पर जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, टू टाइम्स बी स्क्वायर माइनस का फोर सी, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। तो अगर हम देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, टू टाइम्स ऑप्शन सी हमारा इसका क्या है, करेक्ट है। तो इसका आंसर जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपका क्या रहेगा, ऑप्शन सी। ओके, तो ये एक लिमिट का क्वेश्चन था जो कि अगस्त की शिफ्ट में पूछा गया था, 27 अगस्त में। और अब हम इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, आप लोगों को ये पता होना चाहिए जब भी हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन जब हमें मिलेगा तो हमें क्या करना चाहिए, हमें x को रिप्लेस कर देना चाहिए किससे, वन अपॉन y से। ये हमने अब क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, x की जो वैल्यू है हमने रिप्लेस किया, तो y आपका टेंड करेगा किससे, जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा। तो अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू जीरो, और ये हमने सब्स्टिट्यूशन डाला स्क्वायर रूट के अंदर, वन अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन माइनस ए अपॉन वाई। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो, और ये आपके पास यहाँ पर स्क्वायर रूट में वन माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y, और इसका भी जब आप एलसीएम ले लेंगे तो हमारी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी ये आ जाएगी। ये हमारा इसको हम इस तरह से, इस लिमिट को हम इस तरह से लिखेंगे। अब हमें एक रिजल्ट पता है, एक हमारे पास सीरीज़ होती है 1 प्लस एक्स की पावर n की सीरीज़ होती है, तो वो आपको याद होनी चाहिए इस जगह पर, 1 प्लस एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एन डैश डैश डैश। तो अगर मैं यहाँ पर, आप देखिए आप इस क्वेश्चन को रेशनलाइज करके भी यूज़ कर सकते हैं।
अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट y टेंड्स टू जीरो, और इसको अब आप लिखेंगे 1 - y - y² इसके होल की पावर 1/2 - 1/y। तो जब आपने ये काम किया तो इसमें अब आप ये वाली ये फर्स्ट सीरीज यूज़ कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, 1 - 1/2 × y - y². जब हम ये सीरीज़ लिखते हैं तो हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि हम सारे टर्म्स लिखें, हमें ये देखना होता है कि हमारी जो डिनोमिनेटर में जो डिग्री है y है, तो हमें y तक के टर्म्स और एक उससे एक्स्ट्रा हम टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये करेंगे तो हमारे पास y स्क्वायर तक के टर्म्स रहेंगे, तो अब हमें आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड डैश 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 ये आपका माइनस a है अपॉन y, और लिमिट y टेंड कर जाएगा आपका किसकी तरफ, लिमिट y टेंड करेगा आपका जीरो की तरफ। ठीक है, अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट y टेंड्स टू जीरो 1 - देखिए ये 1 कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो 1 - a एंड प्लस y अपॉन माइनस का y अपॉन 2 एंड डैश 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 अपॉन y। अब जब देखिए इसने क्या बोला है, इसकी जो लिमिट की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी क्या है, b है। तो अगर इसकी लिमिट की, किसी भी लिमिट की अगर वैल्यू आपकी कोई फाइनाइट नंबर आ रही है, तो इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में टर्म है और न्यूमरेटर में जो डिग्री है आपकी, दोनों की जो डिग्री है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 1 - a इज इक्वल टू जीरो, इससे क्या होगा a की वैल्यू पता लग जाएगी एंड लिमिट हमारी क्या आ जाएगी सॉल्व होके, b की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस का 1/2। तो अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अल्फा जो है हमारे पास यहाँ पर, अल्फा एंड बीटा हमारे पास ये है, तो हम क्या करते हैं, कहता है हमें ए और बी की वैल्यू निकाल के बतानी है, जिसमें अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के हमारे क्या हैं, रूट हैं। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं अल्फा और बीटा हमारे रूट हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, एक तो हमारे पास ये रिलेशन है, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का 4/4 a है। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पर, लेकिन अभी हमें अल्फा और बीटा पता नहीं है कि हमारे पास अल्फा और बीटा क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आएगी, हम एक बार चेक कर लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू π/4। तो इसमें हम करते क्या हैं, इसको हम एक बार इसको ना हम रिप्लेस कर देते हैं। देखिए अब इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब हमारे पास लिमिट एक्सटेंड जीरो की तरफ नहीं करती है, तो जैसे सपोज कीजिए कहीं पर अगर कोई क्वेश्चन है एक्सटेंड कर रहा है ए की तरफ, तो आप एक्स को है ना रिप्लेस कर दीजिए किससे, या तो a प्लस एच से रिप्लेस कर दीजिए या आप a माइनस एच से रिप्लेस कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे देन h टेंड कर जाएगा किसकी तरफ, जीरो की तरफ। आप दोनों केसेज में कोई भी केस ले सकते हैं, बट जनरली हम प्लस वाला केस लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो और 10 हमने 10x कॉमन ले लिया यहाँ पर। पहले हम एक स्टेप कर लेते हैं, पहले हम 10x को कॉमन ले लेते हैं, फिर हम इसके बाद इसको पुट करेंगे। तो x टेंड्स टू π/4 एंड 10x हमने कॉमन ले लिया, और इसकी जो हमारी वैल्यू आ गई अंदर आ जाएगा 10² x - 1/cos(x + π/4) cos(x + π/4) क्लियर। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, लिमिट x को हमने रिप्लेस कर दिया किससे,
पाई बाई फोर प्लस एच से रिप्लेस कर दिया। अगर हम ऐसा करेंगे तो एच टेंड करेगा किसकी तरफ, जीरो की तरफ, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और टेन ऑफ पाई बाई फोर, पाई बाई फोर प्लस एच और इंटू ब्रैकेट में टेन स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस एच माइनस वन अपॉन, डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई फोर प्लस एच और प्लस पाई बाई फोर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो इस जगह पर आप 10 वाली आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, 10 ए प्लस बी की आइडेंटिटी है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10 एच अपॉन 1 माइनस 10 एच, 10 एच और इधर आपका आ जाएगा, इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 1 प्लस 10 एच का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 10 एच का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे आपका आ जाएगा कॉस 90 प्लस एच हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस का साइन एच आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो 1 प्लस 10 एच अपॉन 1 माइनस 10 एच और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आइडेंटिटी जब आप यूज़ करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 210 एच आएगा और उधर माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का सॉरी 4 10 एच अपॉन, नीचे आपका आ जाएगा माइनस का साइन एच और यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में ये भी बचेगा 1 प्लस 10 एच का होल स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 10 एच का होल स्क्वायर। अब इसमें से एक 10 1 प्लस 10 एच आपका ये कैंसिल हो जाएगा और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या रहेगा आपका, लिमिट लिमिट h टेंड्स टू जीरो और जब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ये तो हमें पता ही है, तो इसको अभी मैंने एज इट इज़ लिखा है 1 माइनस 10 एच और ये भी आपका आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 10 एच और यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 10 एच और ये माइनस का साइन हमने बाहर ले लिया अपॉन साइन एच और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमने h का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो क्वांटिटी है हमारी 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो इसकी जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का 4, तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 4। अब हम देखते हैं कि बीटा क्या चीज़ है हमारे पास, तो बीटा जो है हमारे पास वो ये है, बीटा इज इक्वल टू, तो बीटा हम क्या करेंगे, बीटा दोनों साइड हम क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे, तो लॉग बीटा इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग कॉस एक्स और कॉट एक्स आपका आगे आ जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे इसको, कॉट एक्स को आप ऐसा लिख सकते हो, 10x लिख सकते हो। अब आप जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस 1 की वैल्यू 0 एंड यहाँ पर भी 0, तब हम लोग क्या करेंगे इसमें एल ऑपिटल रूल यूज़ कर लेंगे, एल ऑपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है तो पता होना चाहिए आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, 1 अपॉन कॉस x और माइनस का साइन x, 10x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा sec square x आएगा, तो इसको आप लिख देंगे 1 अपॉन cos square x, तो ये आपका एक cos कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10x और ये आ जाएगा 0, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो
ये आपके पास बीटा की वैल्यू वन आ गई। ठीक है, तो अब आप लोग क्या है बीटा की वैल्यू, इनको आप अपना ऑप्शन भी वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई अगर हम बीटा की वैल्यू वन पुट कर रहे हैं और अल्फा की वैल्यू हमारी अल्फा की वैल्यू माइनस फोर है और बीटा की वैल्यू हमारी वन है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा वेरीफाई कर रहा है। यानी आप यहाँ पर पुट करके देख लीजिए, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, ये आपने क्या कर दिया माइनस फोर और प्लस, ये यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी दोनों की, यहाँ पर वैल्यू आपने पुट कर दी, तो बीटा बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका बी इक्वल टू थ्री ए। ठीक है, और जिसमें कि यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस जगह पर माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन ए, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू वन आ गई, तो ए की वैल्यू वन आ जाएगी और इसकी वैल्यू आपकी ये, तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से करेंगे। और देखते हैं क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेबनीज रूल, तो इसके ऊपर बेस्ड है। लेबनीज रूल क्या कहता है आपका, अगर आपको इंटीग्रेट करना है किसी इंटीग्रल के अंदर, ये आपके पास कोई फंक्शन है फाई ऑफ एक्स और साई ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर एफ टी डी टी, अगर आप लोगों को लेबनीज रूल अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैंने इसका एक वीडियो भी अपने चैनल पर बना के डाल रखा है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेई मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए भी, तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि कैसे हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स, तो जब आप इसमें करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टी की जगह हम जो हमारी अपर लिमिट है उसको हम पुट कर देंगे एफ ऑफ साई एक्स और डी साई अपॉन डी एक्स माइनस एफ ऑफ फाई एक्स और डी फाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से क्या हुआ, ये क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है कि एडवांस में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है, कभी पीछे पूछा गया है। जनरली क्या होता है कि एडवांस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सबसे पहले एडवांस में तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन जब कुछ अच्छे क्वेश्चंस एडवांस में आ जाते हैं तो वो मेंस में रिपीट होने लगते हैं। तब आप इसको इसके ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपकी लिमिट क्या बन जाएगी, टू से टू, तो ये जो आपकी लिमिट है जीरो अपॉन, इसका जो फॉर्म है आपका वो आपका जीरो अपॉन फॉर्म है, जीरो अपॉन जीरो है तो इस फॉर्म का है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं एल ऑपिटल रूल यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई फोर और पाई बाई फोर, अब हम लेबनीज रूल अप्लाई करने जा रहे हैं तो कैसे करेंगे, एक्स की जगह पर हम लिखेंगे एफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स देन डी साई, यानी ये जो अपर लिमिट है इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा टू सेक एक्स और टेन एक्स, और ये तो पहले आप पावर का करेंगे एंड सेक एक्स टेन एक्स आ जाएगा, ये सबसे पहले हमने क्या किया सेक स्क्वायर का किया तो टू सेक एक्स आ गया और ये हमारा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस। अब जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ टू, बट टू का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ टू और टू का जो डिफरेंशिएशन है आपका वो जीरो हो जाएगा अपॉन, नीचे आपका आ जाएगा टू एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर, अब आप जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर आपका, तो टू इंटू जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे पाई बाई फोर और सेक टू सेक पाई बाई फोर की वैल्यू अंडर रूट टू होती है, तो एफ ऑफ टू और ये आपका टू अंडर रूट टू टेन पाई बाई फोर की वैल्यू आपकी वन हो जाएगी, सेक इसकी वैल्यू आपकी अंडर रूट टू आ जाएगी और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा टू पाई बाई फोर, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एक टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी टू एफ ऑफ टू आ जाएगा, तो हमारा इसका जो है थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है।
ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लेबनीज रूल, और आप लोगों को इस पर प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जेई मेंस में इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये जुलाई की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, 27th of July में। ठीक है, तो देखिए लगभग लगभग अगर मैं देखूँ कि अराउंड जितने भी सेट हैं, लगभग लगभग आप ये मान के चलिए कि 90% सेटेज में आपके लिमिट का क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो आप लोग इसको है ना, एक ऐसा है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार भी कीजिए आप लोग। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, कहता है कि इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है। तो अभी मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा था, क्या लिखा था, 1 + x^n का एक्सप्रेशन लिखा था हम लोगों ने, तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, और इधर आपका आ जाएगा एक्स अपॉन, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 − sin x^8 − 1 + sin x^1/8। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको है ना अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे। अगर हम इसके अप्रॉक्सीमेट करके कुछ टर्म्स लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो और एक्स अपॉन, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 − 1 अपॉन, ये हमारा जो फर्स्ट टर्म है, 1 + nx + n − 1 फैक्टोरियल 2 और एक्स स्क्वायर। तो जब आप ये लिखने जाएंगे तो आपकी वैल्यू, पहले तो आपकी ये आ जाएगी साइन एक्स, और इसका जो भी नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स के साथ जो कुछ भी, जब भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ऐसे हम इसे निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, जब आप इसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका जीरो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, −1 − 1/8 sin x आ जाएगा। सेम सिचुएशन आपके निगेटिव के साथ साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो ये 1 और 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, और जब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे सारे आगे के टर्म्स आपके जीरो हो जाएंगे। क्या आपको मिलेगा लास्ट में, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एक्स अपॉन और −1/8 तो 2/4 और −2/8 के साइन के साथ, तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी −4। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट था। ठीक है, और देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास, एक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आप लोगों को यहाँ पर इसने एक्स टेंड कर रहा है किसकी तरफ, 0+ की तरफ, एक्स टेंड कर रहा है 0+ की तरफ, इसका मतलब आपको राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास ये चीज़ है, तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर हम 0+ लिखते हैं तो इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी, और ये भी आपको पता होना चाहिए 0- अगर होगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी -1 आएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0+ 0+। जिस दिन आप यहाँ पर देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहता है, एक इंटीजर रहता है, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और अपॉन डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, x − 1 − x² ले लेंगे कॉमन। तो अब हमें यहाँ पर एक रिजल्ट ये भी पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो कॉस इनवर्स ये तो 0 हो जाएगा। देखिए इसको एक बार हम अरेंज कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0+ और कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 − x² और साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स,
तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 1 आ जाएगी, कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, पाई बाई 2 आ जाएगी, और यहाँ पर हमारा ये 0 हो जाएगा। तो हमारा इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास क्या है, अब ये हमें इसने क्वेश्चन दिया है। तो देखिए अगेन जब भी यहाँ पर आपके पास कभी भी किसी क्वेश्चन में 10 मिले या साइन मिले तो आपकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि उसके अंदर जो कॉस स्क्वायर है उसको हमें चेंज कर देना चाहिए, किसके टर्म्स में, साइन के टर्म्स में, क्योंकि फिर हम अपना जो रिजल्ट है वो यूज़ कर लेंगे। जैसे कौन सा रिजल्ट हम यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट यूज़ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेन एक्स टेन एक्स, इसको और जनरल कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स टेंड करता है जीरो पे, तो एफ एक्स अपॉन एफ एक्स अगर मिलेगा हमें कहीं पर तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमने क्या किया यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और टेन ऑफ पाई इंटू 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, हमने साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, ये थीटा की वैल्यू टेंड कर रही है जीरो की तरफ, ये थीटा लिखा हुआ है, अपॉन यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, थीटा टेंड कर रहा है किसकी तरफ, जीरो की तरफ कर रहा है टेंड, तो ये अब आपका बन जाएगा 10 पाई माइनस थीटा, तो माइनस 10 पाई साइन स्क्वायर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और ये जो साइन 2 पाई स्क्वायर थीटा है इसको हम इधर कर देंगे, तो 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। अब हम ये वाला रिजल्ट यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा यहाँ पर 10 के अंदर पाई साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम एक इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूमरेटर पाई साइन स्क्वायर थीटा और पाई साइन स्क्वायर थीटा में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये हमारा जो रिजल्ट है, अगेन हम बोलेंगे देखिए, लेकिन जब भी आप ये रिजल्ट अप्लाई करें तो आप ये चेक कर लीजिए 10 के अंदर और जो एफ एक्स है आपका वो टेंड करना चाहिए जीरो की तरफ, तभी आप 1 लिख पाएंगे इसको। और इसके लिए इसमें भी हम यही रिजल्ट अप्लाई करेंगे, बट अभी हमारे पास 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, और इधर आंसर आपका आ जाएगा माइनस का 1/2। तो ये आपका इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस वीडियो को अभी यहीं फिनिश करते हैं, और इसके बाद अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं 2021 के, ठीक है, तो वो भी अभी मैं जल्दी ही आपको दे दूंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो, हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।